बैंक वाले जो है झूठ का पलंदा वो नहीं, हमें कर्ज लिए थे 8 करोड़ 70 पर 5 लाख रुपए, वो क्या वास्ते लिए कि तो MDS बनाना और था। बैंक वालों को 4 करोड़ रुपए इंटरेस्ट पे करके ही बैंक वाले खुद OTS वन टाइम सेटलमेंट को बुलाए हैं, हमें जाकर हैं इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मदद करेगा, कुछ हल निकलता है इंशाअल्लाह, हमें खर्च से अदायगी हो जाएगी, क्योंकि सूद जो है इस्लाम में लेना भी हराम है देना भी हराम है। हम नहीं चाहते कि फारूखिया इदारा जो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से बनाया गया है इसको सूद पर मतलब ट्रस्टी साइन नहीं करते, बैंक वाले मेरे एक सिग्नेचर पर लोन नहीं देते, समझे। तमाम ट्रस्टीज जो जिंदा हैं उनमें से जो मर गए हैं इंतकाल कर चुके हैं उन सब लोगों ने दस्तखत किया है, तमाम हमारे बानियों में से हैं, समझे। हमारे मरहूम अजीज सेठ साहब के खिदमात इस इदारे पर बहुत हैं, अगर मैं उनके खिदमात गिनने लग जाऊंगा तो रात भर मुझे बयान करना पड़ेगा। अल्लाह का शुक्र है हमारे फार्मर मिनिस्टर MLA साहब हमारे अजीज सेठ साहब के बेटे उन्होंने आगे आ रही हमारे इदारे को हेल्प करने के लिए। आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने इससे पहले भी आप आए थे, मैंने बताया था कि मैं तशहीर से परहेज करता हूँ, आप किसी भी शहर के नुक्कड़ पर मेरी फ़ोटो नहीं देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। रिफॉर्म मुस्लिम एजुकेशनल ट्रस्ट सिर्फ मैसूर ही नहीं सारे रियासत में एक जाना पहचाना इदारा है सर। पिछले कई महीनों से तरह तरह के हालात पे दरपेश हुए और खुसूसन अब 10 जनवरी 2023 को आने वाले साल 10 जनवरी 2023 को केनरा बैंक की जानिब से जारी करना नोटिस के हवाले से क्या कहेंगे सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये पहली नोटिस नहीं, ये पहली नोटिस नहीं है, इससे पहले 4 बार एक्शन कर कर है, 4 बार, लेकिन एक्शन कैंसिल हुआ। क्यों हुआ? लीगल जाने में, लेकिन बैंक वाले जो है झूठ का पलंदा वो नहीं, हमें कर्ज लिए 8 करोड़ 70 पर 5 लाख रुपए, वो क्या वास्ते लिए कि तो MDS बनाना था। MDS जब बनाना तो स्टाफ रिक्रूट करना था, अकोमोडेशन बढ़ाना था, जिसकी वजह से इससे पहले हमारा खुद का पैसा बैंक में हुआ करता था, लेकिन कभी भी हम खर्च पर नहीं गए, लेकिन MDS को लेने की वजह से ये खर्च लेना पड़ा, और खर्ज लेकर MDS सैंक्शन करने में 2 साल देर हो गई, सुप्रीम कोर्ट जाकर आर्डर लाना पड़ा, और बैंक वालों को 4 करोड़ रुपए इंटरेस्ट पे करके ही, कितने करोड़? 4 करोड़। अब जो है हमें OTS को नहीं गए, बैंक वाले खुद OTS वन टाइम सेटलमेंट को बुलाए हैं, हमें जाकर हैं इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मदद करेगा, कुछ हल निकलता है इंशाअल्लाह, हमें खर्च से अदायगी हो जाएगी, क्योंकि सूद जो है इस्लाम में लेना भी हराम है देना भी हराम है। हम नहीं चाहते कि फारूखिया इदारा जो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से बनाया गया है इसको सूद पर मुलविस करें। सर ये बात भी सामने आ रही है कि 8 करोड़ 9 तो 5 करोड़ का जो खर्चा लिया गया था उस वक्त ट्रस्ट के दीगर जिम्मेदारों को इसका इल्म नहीं था। ये बिल्कुल गलत है। जब तक पूरे ट्रस्टी साइन नहीं करते बैंक वाले मेरे एक सिग्नेचर पर लोन नहीं देते, समझे। तमाम ट्रस्टीज जो जिंदा हैं उनमें से जो मर गए हैं इंतकाल कर चुके हैं
उन सब लोगों ने दस्तखत किया है, यानी सबको इल्म था, सबको इल्म था जी किस लिए लिया जा रहा है। हाँ कि सर आने वाले दिनों में 10 जनवरी के हवाले से आपका वन टाइम सेटलमेंट का लाइन ऑफ एक्शन क्या है सर? बोल रहा हूँ ना, बैंक वाले खुद बुलाए थे, हम लोग गए थे, एक सिटिंग हुई, एक सिटिंग हुई, सिटिंग में हमें एक ऑफ़र दिए, उन्होंने वो ऑफ़र को कबूल लेकर जो है हम लोग आ गए कि कैसा इंतज़ाम करें क्या करें सोच कर आ गए थे। हमारे 50 लाख रुपये उनके पास FD में हैं, तो अप फ्रंट उनका सवाल था 75 लाख रुपये भरने का, तो हम लोग 50 लाख जो हमारे वहाँ हैं 25 लाख हमारे इदारे से जमा करके अप फ्रंट तय करेंगे, क्लोज करेंगे, फिर बकिया इंस्टॉलमेंट के वास्ते 2 साल का टाइम पूछ कर आए थे। फिर 2 दिन बाद वहाँ से फ़ोन आता है कि हमें तुम्हारा ऑफ़र मंजूर नहीं है, तो फिर बैंक को जाना हुआ, तो बैंक को जाने में 17 करोड़ रुपये भरना पड़ेगा और अप फ्रंट 1 करोड़ 20 लाख रुपया भरना पड़ेगा, तो ये शर्त रखी, ये नेगोशिएशन में चल रहा है। लेकिन इसके दरमियान बैंक वाले खुद जो एक्शन नोटिस निकाले हैं, इससे पहले 4 इसी किस्म के नोटिस निकाल कर रहे हैं, लेकिन कभी एक्शन नहीं हुआ अल्लाह के फजल व करम से, इंशाल्लाह इस बार भी नहीं होगा, समझे, इंशाल्लाह। कर्ज़ हम लिए हैं और कर्ज की अदायगी हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, हम ये नहीं चाहते कि हम कल जाएं तो खर्च आने वाले ये ना कहें कि माजी के लोगों ने हमारे ऊपर कर्ज का बोझ ढा दिया है, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ये कर्ज अदा होगा। यहाँ पे आने का मकसद साफ जाहिर था कि चूंकि मैं भी यहाँ का तालिबे इल्म रह चुका हूँ माशाअल्लाह, तो मुझे एक फिक्र थी, हमारे अपना इरादा समझ कर मैं आया था, जो बातें गर्दिश कर रही थी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बहुत हद तक आपने साफ कर दी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाला एक्शन को लेकर जिस किस्म से एक अफवाह बना बयान, जिस किस्म से एक तासीर दिया जा रहा था, आपके जवाब से मुझे एक उम्मीद जागी है कि इंशाअल्लाह रिफॉर्म मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट आने वाले दिनों में बहुत हिकमत अमली से काम करते हुए इस इदारे को नुकसान होने बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। इंशाअल्लाह ये इदारा जो है आप यहाँ देख लीजिए तस्वीर जी सर, ये तमाम हमारे बानियों में से हैं, समझे, हमारे मरहूम अजीज सेठ साहब के खिदमात इस इदारे पर बहुत हैं, अगर मैं उनके खिदमात गिनने लग जाऊंगा तो रात भर मुझे बयान करना पड़ेगा, उनके खिदमात बहुत हैं। हम चाहते तो उस ज़माने में 20 एकड़ 50 एकड़ ज़मीन लेकर ये तमाम इदारे वहाँ बना सकते थे, लेकिन सेठ साहब क्या चाहते थे, औकाफ की ज़मीन की तरक्की हो जी, उन्होंने बड़ी कोशिश करके ये जगह हमें दिलाई, ना सिर्फ हमें दिलाई बल्कि MES वालों को दिलाई और हिलाल मस्जिद वालों को भी दिलाई ईदगाह की तरफ से, हमें हुकूमत कर्नाटका की मंजूरी से ये जगह दी गई है। अगर सेठ साहब मेरी बात मान लेते तो हम एक 25-50 एकड़ शहर के बाहर लेकर आराम से ये इदारे बना सकते थे, लेकिन सेठ साहब की ईमा पर यहाँ जो इमारतें फलकनुमा इमारतें खड़ी हैं ये कौम का सरमाया है, इस पर जो है तकरीबन 200 करोड़ रुपए 300 करोड़ रुपए की लागत की इमारतें हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, अब अल्लाह का शुक्र है हमारे फार्मर मिनिस्टर MLA साहब हमारे अजीज सेठ साहब के बेटे उन्होंने आगे आ रही हमारे इदारे को हेल्प करने के लिए, हमारे इदारे में उनको शामिल करने के लिए दावत दी गई थी, लेकिन
वो कहने लगे कि मैं मिनिस्टर होते हुए एमएलए होते हुए ट्रस्ट में नहीं आ सकता करके खुला ऐसा बता दिया। लेकिन परसों का भी उनका स्टेटमेंट आया कि एक कदम मुनो आए तो मैं चार कदम आता हूँ। पहले भी बताया हमें जो है हमारे शौकत पाशा साहब के जरिए से उनसे टच में हैं। सर शौकत पाशा की जुबानी मैंने सुना कि अल्हम्दुलिल्लाह तनवीर से आपके जो ये बैंक का जो भी है मामला उसमें उनकी रहनुमाई शामिल है और वो साथ देने के लिए इंशाल्लाह 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 बोला। मैंने बताया ना हर्ज वाजिबुल अदा है, बगैर इसको अदा करे हम नहीं जा सकते। और ख़ासकर सूद, सूद जो है बिल्कुल हराम है। हमारे स्टाफ में एक सोसाइटी बनाए हैं छोटे सरमाए से, जिसके ज़रिए से 10,000 20,000 40,000 रुपया खर्च देते हैं इंटरेस्ट फ्री, ज़रूरत हमारे स्टाफ को बिल्कुल। लेकिन उनको जब लास्ट अदायगी आती है तो 4% उनका जो मुनाफा है उस वो मुनाफा दाल को देते हैं, लेकिन वो सूद नहीं है बिल्कुल समझे, उनकी मर्जी से देते हैं। जी जी। तो हम लोग जो है यहाँ दीनियात की क्लासें चलाते हैं, बहुत सारी रिफाही काम, ये रिफाहुल मुस्लिमीन एजुकेशन ट्रस्ट है, रिफा के जितने काम है वो अल्लाह के फजलो करम से यहाँ हो रहे हैं समझे। आज अल्लाह के फजलो करम से हमारे असासे बहुत हैं, तकरीबन डेंटल कॉलेज से 1,000 मुसलमान बच्चे डॉक्टर बनकर गए हैं, बी फार्मा या फार्मा डी से कई मुसलमान बच्चे आगे बढ़कर गए हैं। आपको अब फारूखिया जो है ये मैसूर की सतह पर नहीं है, सारी दुनिया में जाना जाता है। लेकिन पिछले 5 साल हम बड़े तजब्जुब से गुजरे इस वास्ते कि नीट आ गया, नीट आने के बाद ईरानी स्टूडेंट्स आना बंद हो गए और हमारे डेंटल कॉलेज को स्टॉप एडमिशन कर दिया गया था। फिर उसे लेने के लिए कोशिश दरकार हुई, कोशिश की गई है, अब BDS सैंक्शन हुआ है। लेकिन ये जो लोग इदारे को बदनाम करना चाहते हैं ये बिलखसूस एडमिशन के टाइम पर ही इस किस्म का शोर शराबा मनाते हैं, जिसकी वजह से हमारे एडमिशन पर ज़र्ब लगती है। अब नीट आ गया, नीट आने की वजह से केरला के स्टूडेंट आना बंद हो गया, ईरान के स्टूडेंट्स आना बंद हो गया, तो हमारी इनकम जो है ये रुक गई है। और ये जो भी इनकम थी वो हमारे इदारों में जनरेट की गई और उसे यहाँ अल्लाह का नाम लेकर अल्लाह को जानते हुए ये तमाम पैसा जो आया वो इमारतों पर खर्चा गया। आज हमारी फार्मेसी कॉलेज हिंदुस्तान में 10 बेस्ट कॉलेजों में से एक है। पिछले साल एक साफिया नामी लड़की 17 मेडल ली। पिछले साल बी फार्मा में एक मुसलमान लड़की 4 गोल्ड मेडल लेकर स्टेट में फर्स्ट रैंक हासिल की। डेंटल कॉलेज में रैंक आ रहे हैं, हाई स्कूल में आ रहे हैं, पॉलिटेक्निक में आ रहे हैं। लेकिन कौम जो है, देखिए हम लोग जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इल्म मेरा हथियार है। क्या कहा? इल्म मेरा हथियार है। और उन्होंने अपने सहाबा को ताकीद की कि चीन जाओ और चीन से इल्म सीख कर आओ। उस वक्त चीन में इस्लाम नहीं था, लेकिन साइंस के मैदान में चीन बहुत आगे था, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को चीन जाने की हिदायत दी। उससे एक और बड़ी मिसाल, जंगे बदर में जो कैदी आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूबरू उनको पेश किया गया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम में से कोई इल्म जानता है और वो मेरे सहाबा को सिखा देता है तो मैं उसकी रिहाई का ऐलान करता हूँ। क्या प्यारी प्यारी मिसालें दी गई हैं। और एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिस शख्स की 2 लड़कियाँ होती हैं और वो 2 लड़कियों को तालीम दिलाता है तो वो और मैं जन्नत में यूँ आएंगे। ये तमाम मिसालें हमारे रूबरू हैं, बस उनके मिशन को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पर
हम जो है इल्म पढ़ा रहे हैं, तालीम देते हैं यहाँ, और बच्चे कामयाब जा रहे हैं। लेकिन दुख होता है, जैसा कि आपने पूछा, हमें दुख होता है कि हमारी कौम को तालीम की कदर नहीं है। आज हमारे इदारे जो है JSS के बाद दूसरे नंबर पर हैं, अल्लामीन के बाद भी दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन हमारे भाइयों को इल्म की कदर नहीं है। इल्म को बदनाम करना चाहते हैं, इदारे की नेकनामी पर ज़र्ब लगाना चाहते हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम अल्लाह ताला आसान कर देता है। ये इदारा अजीज़ सेठ साहब, मोहम्मद सेठ साहब, प्रोफेसर नज़ीर अहमद साहब, लायर अब्दुल गफ्फार खान साहब, बड़े काफ़ी प्लेंटर यूसुफ अली खान साहब, ये तमाम जो है ये इदारे की बुनियाद डाले। उनका मेन मकसद क्या था? मुसलमानों में तालीम को आम करना। अब अल्लाह के फजल करम से आप शहर मैसूर में कहीं भी जाइए, किसी दरवाज़े, किसी के घर के दरवाज़े पर दस्तखत दीजिए, पूछिए उसको कि आपकी बच्ची बच्चा कहाँ पढ़ता है, तो कहेगा फारूकिया। बस इन चंद कलमात के साथ मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने इससे पहले भी आप आए थे, मैंने बताया था कि मैं तशहीर से परहेज करता हूँ। बिल्कुल, आप किसी भी शहर के नुक्कड़ पर मेरी फ़ोटो नहीं देखेंगे। पेपर में जो ऐड आता है उसमें अलबत्ता मेरी तस्वीर छप जाती है, लेकिन मैं तमाम चीज़ों से दूर इसलिए रहता हूँ कि हमारे बुज़ुर्गों ने सिखाया है कि जितनी तशहीर करेंगे उतना नुकसान होगा।